और कर्नाटक के मैसूर के एक यात्री निवास में जिस फरोशी के रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। छापामारी करने पहुंची टीम तब हैरान रह गई जब उन्हें मोटल के भीतर एक गुप्त तहखाना मिला और जब तहखाने का दरवाजा तोड़ा गया तो वहां 10 बांग्लादेशी लड़कियां मिली। पुलिस को शक है कि इन लड़कियों को चुनावी फायदे के लिए भी इस्तेमाल किया जाना था। कर्नाटक के मैसूर में येलवाला में बना उडुपी यात्री मोटेल, कहने को तो ये मोटेल यात्रियों के ठहरने के लिए है, लेकिन जब आप इन दीवारों के पीछे की हकीकत जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। इस मोटेल की आड़ में यहाँ धड़ल्ले से जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा था, जब कर्नाटक पुलिस छापेमारी के लिए पहुंची तो बाहर से उसे कुछ नजर नहीं आया। आधे घंटे की मशक्कत के बाद उन्हें खुफिया दरवाजा नजर आया। महज 2 फुट लंबे और 2 फुट चौड़े इस दरवाजे के पीछे छिपा था एक खुफिया तहखाना, 3 फुट चौड़ा और 6 फुट ऊंचा। तहखाने का दरवाजा टूटते ही भीतर से महिलाओं के रोने चीखने की आवाजें आने लगी। तहखाने में 5-6 लड़कियां छिपा कर रखी गई थी। पुलिस ने यहां से 10 लड़कियों को पकड़ा, साथ ही मोटेल के 4 कर्मचारियों को भी गिरफ्तार किया है। 10 गर्ल्स they are speaking Bengali, they could be the citizens of Bangladesh also. They normally say they are Calcutta people, but they could be Bangladeshi also, and they are rescued, and all the offenders also, the accused are arrested. पुलिस का कहना है कि ये लड़कियां बांग्लादेश से लाई गई हैं। इस खेल में मानव तस्करी से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इन लड़कियों के पास से कोई पासपोर्ट नहीं मिला। छापेमारी में एक चौंकाने वाली बात ये सामने आ रही है कि इन लड़कियों को कर्नाटक चुनाव के मद्देनजर इस्तेमाल किया जाना। वी गेट द इंफॉर्मेशन द गर्ल्स आल्सो बी कमिंग फॉर द इलेक्शन पर्पस। दे आर ट्रैफिक्ड बाय वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। दे आर कमिंग टू हियर बिकॉज ऑफ सम नोटोरियस क्रिमिनल। छापा मारने पहुंची टीम के एक सदस्य का कहना है कि कर्नाटक चुनाव के मद्देनजर करीब 3,000 बांग्लादेशी लड़कियां सूबे में लाई गईं। फिलहाल पुलिस को इस मोटेल के कर्ता धर्ता कहे जाने वाले लोकेश शेट्टी, सतीश पुजारी और नवीन नाम के शख्स की तलाश है जो छापेमारी के बाद से ही फरार है। पुलिस ने इस मामले में फिलहाल 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पुलिस को शक है कि इस ग्रुप के तार प्रदेश के दूसरे इलाकों से जुड़े हुए हैं, लिहाजा पुलिस पूरे प्रदेश में दबिश कर रही है। यासर मुश्ताक, बेंगलुरु, IBN 7। और आइए अब आपको बताते हैं जिस फरोशी के उस तहखाने का राज जो बीते 10 सालों से पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। पुलिस ने कई बार इस मोटल पर छापे मारे लेकिन एक बार भी उसे यहां लड़कियां नहीं मिली। आखिर कैसे काम करता था जिस फरोशी का यह हाई प्रोफाइल रैकेट और कैसे तहखाने में छिपाई जाती थी लड़कियां, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ये है जिंदा नर्क का दरवाजा, 2 फुट लंबे और 2 फुट चौड़े इस दरवाजे के पीछे छिपा है वो तहखाना जहां छिपाई जाती हैं लड़कियां। वो लड़कियां जिनका इस्तेमाल कुछ रसूखदार जिस्म फरोशी के धंधे के लिए करते हैं। तहखाने को बेहद गुप्त तरीके से बनाया गया था, उसके दरवाजे के आगे लकड़ी का बोर्ड रखा था और फिर उसके आगे एक बेड लगा दिया गया था ताकि किसी को इस खुफिया दरवाजे और तहखाने की भनक न लग पाए। लंबी पड़ताल के बाद पुलिस को इस दरवाजे का सुराग मिला और फिर शुरू हुई इसे तोड़ने की कवायद। और जैसे ही ये दरवाजा टूटा सबके होश उड़ गए। इस छोटे से दरवाजे के पीछे छिपा था एक गुप्त कमरा जिसमें छिपा कर रखी गई थी आधा दर्जन लड़कियां। कमरा इतना छोटा था कि उसमें लड़कियों के बैठने की जगह तक नहीं थी, लिहाजा सभी लड़कियां कमरे में खड़ी थी। पुलिस के मुताबिक इस मोटल में बीते 10 साल से जिस्म फरोशी का धंधा हो रहा था। कई बार छापेमारी भी की गई लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। पुलिस का कहना है कि मोटल में 3 लेवल पर काम होता है। जैसे ही पुलिस छापेमारी के लिए पहुंचती है तुरंत बाहर बैठा शख्स सबको अलर्ट कर देता। इसके बाद मोटेल में मौजूद सभी लड़कियों को तहखाने में छिपा दिया जाता और छापा मारने पहुंची पुलिस बेरंग लौट आती थी। There are 3 cashiers in all levels, and if there is any suspicious entry into the yard, immediately the front person, he gives an alarm to the whole
building. So that all the girls, they are taken to the hiding place. 2x2 फुट के इस दरवाजे से एक इंसान का घुस पाना बेहद मुश्किल। जब भी मोटेल में छापेमारी होती, दलाल लड़कियों को जानवरों की तरह इस दरवाजे के रास्ते गुप्त तहखाने में ठूंस देते थे। इस छापेमारी के बाद पुलिस ये पता लगाने में जुट गई कि जिस्म फरोशी के इस धंधे के तार कहां तक और किस किस से जुड़े। आशंका जताई जा रही है कि इस धंधे में कुछ सफेद पोश चेहरे भी बेनकाब हो सकते हैं। यासिर मुश्ताक, बेंगलोर, IBN 7।